नमस्कार प्रियजनों, आप देख रहे हैं सूटी पाठशाला। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी लोग पूरे जो सीरीज ऑफ कटा वीडियोस आ रहे हैं उसको फॉलो कर रहे, बहुत अच्छा लग रहा है। प्लीज इस वीडियो को भी अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। इसलिए भी शेयर करते हैं क्योंकि हो सकता है कमिंग वीडियो उनके सब्जेक्ट से रिलेटेड हो। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं BHU ME इकोनॉमिक्स का अनऑफिशियल कट ऑफ। इसका जो रेफरेंस है वो लास्ट ईयर के ऑफिशियल कट ऑफ लिस्ट से ही रिकमेंडेड है, अब रेफरेंस पे है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको अंदाजा लग जाएगा कि आपके एडमिशन की पॉसिबिलिटीज कितना ज्यादा डीएमसी में। ध्यान देना है, जो कट ऑफ डिस्कशन हो रहा है डीएमसी का हो रहा है, ठीक है। डीएमसी क्या होता है, यानी आप बीएचयू का जो बड़ा वाला गेट देखते हो उस गेट के अंदर जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ मेन कैंपस, बाकी इसके चार पांच एफिलेटेड कॉलेजेस भी हैं, तो वहां पे जो चलते हैं उसमें जब नंबर बताऊंगा कितना घटा लेना तो अंदाजा लग जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे ये जो कट ऑफ है ये लास्ट ईयर का ऑफिशियल है, ये वाला जो है, ठीक है, ये लास्ट ईयर का ऑफिशियल कट ऑफ है इधर वाला, ओके। और ये जो है इस बार का मैंने गेस किया हुआ है, रेफरेंस लेके बच्चों से डिस्कस करके रिव्यू बेसिस पे बनाया हुआ है। लगभग अगर आप जनरल कैटेगरी में हो, 160 प्लस ले आते हो, यानी 160 प्लस ले आते हो, तो आपके एडमिशन के चांसेस डीएमसी में ज्यादा है। और ओबीसी कैटेगरी में 140 प्लस, ईडब्ल्यूएस में 145 यानी 145, एससी कैटेगरी 120 और एसटी में 100 प्लस, इस तरीके का अगर मार्क्स आपका है तो आपके एडमिशन की पॉसिबिलिटीज 95% से ज्यादा है। अब मैं यहां पे बता रहा था कि आप इसमें पेड जोड़ दो, ठीक है, सब में पेड जोड़ दो। पेड का मतलब होता है आपके जो रेगुलर पेमेंट होते हैं, आपके कोर्स की जो रेगुलर फी होती है 5,000-6,000 जो भी है, उसमें 10,000 आपसे एडिशनल लिया जाएगा और ये पूरे 2 साल लिया जाएगा, हर साल आपसे लिया जाएगा, ठीक है। और ये जो मार्क्स 160 है इसमें आप कम से कम -10 कर देना सब में, ठीक है। तो ये जो वैल्यू निकल के आएगी, जो मार्क्स निकल के आएगा, कुछ ये हो जाएगा आपके पेड के लिए। और एफिलेटेड के जो लड़कियां हैं, क्योंकि एफिलेटेड में लड़कों का मौका कम मिलेगा, लड़कियों को ज्यादा मिलेगा, तो लड़कियां जो एफिलेटेड में जाना चाहेंगी वो -20 करके लगभग अगर 7th राउंड तक रहती हैं, तो मुझे लग रहा है कुछ कैटेगरी में, जैसे ये नीचे एससी एसटी हो गया, इन सब कैटेगरी में पक्का ये है -20 जाने के बाद आपको एडमिशन मिल जाएगा 8th राउंड तक। बाकी आप लोग जब लिस्ट आएगी तो मैं आपको इसी चैनल पे ऑफिशियली दूंगा, और सबसे अच्छी बात है कि मेरे चैनल पे आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा। सो सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपका जैसे ही आंसर की आने वाला है ये मार्क्स, आप ये वीडियो सेव करके रख लो आप, ठीक है। और ये जैसे ही आता है आपका वहां पे आंसर की, आप मैच करा लेना और फिर देखना कि आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं और फाइनली आपके एडमिशन की पॉसिबिलिटीज कितनी ज्यादा है कितनी कम है, ठीक है। मुस्कुराते रहे, बहुत सारी शुभकामनाएं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज एवरीवन डू लाइक, डू शेयर, सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो। हर हर महादेव।